हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैसे टू बुक्स यूज कम्स एंड टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जूनियर एडेड हाई स्कूल के इंग्लिश सब्जेक्ट का रिव्यू लेकर आए हैं। इसके पहले हमने अंग्रेजी के अलावा सारे सब्जेक्ट का रिव्यू दे चुके हैं, केवल शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन जो कि बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, नेक्स्ट वीडियो में इसका रिव्यू जाएगा। इसके अलावा हमने वॉल्यूम फर्स्ट जो आती है आपके अनिवार्य पेपर, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान, ये सारी बुक्स का हम रिव्यू कर चुके हैं। आज लास्ट बुक है अंग्रेजी, उसका रिव्यू करेंगे। इसके बाद शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उसका रिव्यू हम करने वाले हैं। अगर इस बुक के नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं 272 पेजेस की ये बुक रहने वाली है। अब बुक की अगर प्रिंट प्राइस की बात करते हैं तो 195 इसकी प्रिंट प्राइस है। इस पर अभी आपको डिस्काउंट मिलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग होते हैं। कुछ ऑनलाइन लिंक्स जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंस्टामोजक में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, या इसे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट ऑर्डर बुक कर सकते हैं। 7518340504 इसका ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट vicitybooks.com या हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करके वहां से बुक परचेज कर सकते हैं, वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इस बुक की बात करते हैं तो इसमें कंटेंट क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम का पाई चार्ट एंड बार ग्राफ मिलेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, इसमें आप हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आएगा। ग्रामर है, द सेंटेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेस है, आर्टिकल्स है, पंक्चुएशन है, वर्ड फॉर्मेशन है, वर्ड पावर है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच, फोनेटिक्स, ट्रांसक्रिप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर्स, कम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, राइटर्स, जर्नल इंट्रोडक्शन एंड दियर वर्क। अपेंडिक्स में आपको इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड दियर वर्क आएगा, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अपेंडिक्स रहने वाला है आपका, वो सारी चीज मिल जाएगी। कौन कौन से एग्जाम्स में से इसे क्वेश्चन लिए गए हैं, तो यूपीटेट के लगभग 8 पेपर्स हुए हैं जिसमें प्राइमरी और जूनियर लेवल के एग्जाम से लिए गए हैं। प्रति पेपर 30 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन पर एग्जाम से लिए गए हैं, तो ये आपके 60 क्वेश्चन ये मिल जाएंगे, तो लगभग 480 क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है। फिर उसके बाद सीटेट का जो पेपर हुआ है, सीटेट के पेपर यहाँ पे लिए गए हैं लगभग 14 पेपर्स, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और उत्तराखंड टेट के आपके लगभग 5 पेपर लिए गए हैं प्राइमरी और जूनियर मिला के। एमपी टेट के एक पेपर है। छत्तीसगढ़ टेट के आपके 4 पेपर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा बिहार टेट के 2 पेपर्स हैं। राजस्थान टेट के आपके 3 पेपर्स मिलने वाले हैं। पंजाब टेट के 1 पेपर है। हरियाणा टेट के आपके 4 पेपर मिलेंगे। और अदर एग्जाम्स की बात करते हैं जैसे DSSB, TGT, PGT, स्पेशल एजुकेशन से लगभग 1300 क्वेश्चन लिए गए हैं। इसके अलावा NVS, KVS से लगभग 700 क्वेश्चन लिए गए हैं। यूपी, उत्तराखंड, MP, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर और राजस्थान, झारखंड, हरियाणा से जो स्पेशल पेपर्स हुए हैं उससे लगभग 2250 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन जो हुआ है क्वेश्चन का 7250, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन ले लिए गए हैं। उसके बाद इन्हें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज दिया गया है। अगर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज करने के बाद जो क्वेश्चन कलेक्शन बचता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके राइटर इंट्रोडक्शन एंड दियर वर्क से लिया गया है लगभग 802 क्वेश्चन। फिर 463 क्वेश्चन आपके अनसेल पैसेज से है। अब बाकी हिस्ट्री से 130 क्वेश्चन है, 81 क्वेश्चन आपके वर्ड पावर्स मिल जाएंगे। ये सारे डिटेल यहाँ पे आपको दी गई है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है राइटर इंट्रोडक्शन एंड दियर वर्क से। तो यहाँ पे पहला टॉपिक जो होता है, शुरू मैंने बताया आपको, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस, इसमें आपको यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे मिलने वाली है। पहले यहाँ पे डिटेल पूरा दिया गया है हर एक टॉपिक का। यहाँ पे टॉपिक आप देख सकते हैं जो जो टॉपिक यहाँ पे दिए गए, मॉडर्न एज, विक्टोरियन एज। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले यहाँ पे डिटेल आपको दे दी गई, फिर उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत ही आंसर दिया गया। साथ ही साथ ये भी बताया गया क्वेश्चन कब पूछा गया। जैसे ये उत्तराखंड GIC लेक्चर 2018 के क्वेश्चन में पूछा गया है। ये आपकी NVS PGT 2019 के क्वेश्चन में पूछा गया है। NVS PGT 2019 के क्वेश्चन में ये भी आया। इसके अलावा ये देखिए, UGC नेट दिसंबर 2008 में, DSSB PGT 2015 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा और जो क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए गए हैं, ये UGC डेट 2000 जून 2020 का क्वेश्चन है, जून 2010 का क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है। ये तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपके सेकंड चैप्टर स्टार्ट होते हैं इंग्लिश ग्रामर का। ग्रामर पोर्शन में पहला टॉपिक आता है दिस सेंटेंस। दिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, फिर क्वेश्चन टैग इसमें आता है। क्वेश्चन टैग के बाद यहाँ पे फाइंड करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया। यूपी टेट लैंग्वेज जूनियर लेवल का है 2020 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी टेट नवंबर 2018 में पूछा गया। यूपी टेट
2017 में क्वेश्चन पूछा गया तो वो आपको मिल जाएंगे। फिर सेंटेंस है, क्लाज एनालिसिस हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसके बाद नाउन से रिलेटेड चीजें यहाँ पे दी गई है, फिर फॉर्मूला ऑफ वर्ब्स यहाँ पे दिए गए हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसको प्रीपोजिशन दिया गया, फंक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन ये यहाँ पे दिए गए हैं, और सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख रही होगी, वो सारी डिटेल्स आपको हर एक क्वेश्चन की यहाँ पे मिलने वाली है। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरह रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको टॉपिक वाइज। फिर यहाँ पे ट्रांसफार्मर में से स्टार्ट होता है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच के कुछ मुख्य बिंदु है वो यहाँ पे दिया गया। फिर इनडायरेक्ट नरेशन, प्रोनाउंस में परिवर्तन होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या क्या होता है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच स्टार्ट होता है, फिगर ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, सिंपली मेटाफर, उसके बाद आपको पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोला, और यहाँ पे सारी चीजें आपको दे दी गई हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। काफी डिटेल्स से सॉल्यूशन दिया है, जहां जरूरत पड़ी देखिए फिगर्स भी दिखाए, राइटर्स वाले सेक्शन में आपको फिगर्स भी दिखाए गए हैं, क्लियर फिगर्स है, साथ ही साथ उनके बारे में पूरी डिटेल बताई गई है, कौन सी पोएट्री थी, कौन सा ड्रामा था, कौन सा उन्होंने प्रोज लिखा था, वो यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर जूनियर एडेट हाई स्कूल की तैयारी आप कर रहे हैं और आपने सब्जेक्ट इंग्लिश लिया है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक यही रहने वाली है, इसमें सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, और जो भी क्वेश्चन आप तैयार करना चाहते हैं उससे आसानी से रेडी हो जाएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट अगर आप देखना चाहते हैं रिव्यू, तो इस चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वो वहां पे आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। थैंक यू गाइस।